फ्रेंड्स, ये हमारे पास ब्लोअर है जो कि काम नहीं कर रहा है। इसका या तो स्विच ख़राब हो गया है या ब्रश ख़राब हो गए या मोटर। चेक करते हैं, सबसे पहले एक इस साइड का ब्रश और दूसरी साइड का ये ब्रश है, इनको खोल के चेक करते हैं। यहाँ कट लगा हुआ है, ये जो हमारे स्क्रू ड्राइवर है उससे खुल जाएगा। तो इसको खोलते हैं ब्रश को। ब्रश तो ठीक है, ये ब्रश भी ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 स्क्रू और ये वाले दोनों स्क्रू खोलेंगे। पहले ये खोलते हैं इसको। चारों स्क्रू खोलने के बाद ये अलग हो गया है। अलग होने के बाद यहाँ पर एक नट है, इसको खोलेंगे। तो ये वाला जो नट है वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ घुमाने से खुलेगा, क्योंकि ऐसे मूव करता है तो ये राइट हैंड साइड घुमाने पे टाइट होता है और उल्टी साइड घुमाने पर ये खुलता है। चाबी से या स्पैनर से या तोता प्लास प्लास आदि से इसको इस तरफ घुमाते हुए हमने खोल दिया है। तो अभी यहाँ जंग लगा हुआ है तो ये बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ से ठोकते हैं तो ये ख़राब हो जाता है और फिर हमारे ये नट कसा नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा बाद में प्रयास करेंगे, पहले इसका स्विच चेक करते हैं। तो ये 1, 2, 3 स्क्रू खोल देते हैं। स्विच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या वायर में भी हो सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये ऑन ऑफ का इसका स्विच है और ये वायर ऑन ऑफ के स्विच में से आ रही है और ये यहाँ से होते हुए जो हमारे इसकी मोटर है उसको 2 वायर जा रही है ये वाली अंदर। तो बस कुछ नहीं, स्विच का ऑन ऑफ का ही काम है इसमें। तो हमें पहले तो देख लेना है कि करंट इस वायर के द्वारा यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे आता है या नहीं आता है। तो यहाँ मल्टीमीटर को 750 वोल्ट एसी पर सेट कर दिया है। यहाँ मल्टीमीटर की ये प्रोब टूटी हुई है तो यहाँ डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दिया है और दूसरी प्रोब यहाँ पर हम लगाएंगे। उसके बाद इसका जो प्लग है वो हम लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी वोल्टेज नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये वायर कहीं से क्रैक है और हमें इसकी ये वायर को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सावधानी के साथ काम करना है, किसी भी प्रकार का आपको मतलब लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है, 220 वोल्ट है और हमें बिल्कुल ग्लव्स आदि का प्रयोग करें या अपने हर प्रकार से सावधानी रखें ताकि किसी प्रकार से हमें कोई नुकसान ना हो। वायर निकाल देता हूँ, ये मल्टीमीटर की जो वायर है इसको हटा देते हैं। डायरेक्ट यहाँ प्लग में देख लेते हैं कि यहीं कहीं सप्लाई नहीं आ रही हो। तो यहाँ हम देखते हैं 240 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो अब हमने प्लग निकाल दिया, ये दोनों जो स्क्रू है इनको खोल देते हैं और ये वायर चेंज करेंगे। और ये वायर खोलते ही हमें यहाँ पर थोड़ा आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए यहाँ से वायर है जल गई है, क्योंकि ये यहाँ पे रहती है, बार बार मुड़ती है तो अक्सर यहीं से ये वायर टूटती है। अच्छी क्वालिटी की वायर हम इसमें लगाएंगे। अब क्या हुआ, थोड़ा इसको खाली ठोकने से क्या हुआ, यहाँ से ये हमारा, तो यहाँ हमें रेती से थोड़ा घिसना पड़ा और उसके बाद इसका ये जो नट है वो वापस से एक बार लगाएंगे और यहाँ से इसको पकड़ के देखिए ये फ़ैन टूट ना जाए और यहाँ हल्की हल्की चोट लगाएंगे तो ये फ़ैन है बाहर आने की संभावना है, अन्यथा इसमें थोड़ा सा पानी आदि डालेंगे तो इससे भी, या फिर इसको थोड़ा सा हीट करेंगे गर्म करके ये बाहर आना चाहिए। तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका हमने नट कस दिया है, फिर ये हमने इसको हथौड़ी से ठोका तो भी क्या होता है, ये यहाँ से बैंड हो जाता है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा मथाफाई ना करें और आसानी से निकले तो निकाल लें, नहीं तो गर्म करके ही निकालना पड़ेगा। आप इसको या तो ये जो काबिया आदि है वो गर्म करके उससे, या फिर किसी और तरीके से गर्म करें और इसको निकालने का प्रयास करें। पंखा टूट भी जाता है कई बार, नुकसान हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम क्या करते हैं कि ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है, क्योंकि हमें इससे मॉस्किटो ट्रैप बनाना है, इतना इतना हिस्सा हम इसका कट करेंगे जितना कि ये फ़ैन के, ये जो फ़ैन है इसके बराबर का हिस्सा, इसको हमें काट लेना है इतना इतना, ताकि ये ज़्यादा हवा को खींच सके। तो वो अब इसको मैं काटने जा रहा हूँ। काटने के लिए आप
कटर का प्रयोग कर सकते हैं, कटर से आराम से इसको काटिए, और काटने के बाद इसको फिट कर दूंगा, ताकि ये क्या होगा फिर ये इतना हिस्सा खुला होगा तो यहाँ से ये बहुत सारी हवा खींचेगा, और उससे एक नया हम प्रयोग करेंगे वो है मच्छर पकड़ने का। अभी पहले हमने क्या किया है, थोड़ा सा ये कट बना लिया है कटर से, और फिर आरी के ब्लेड को गोल गोल घुमाते हुए इसको काटेंगे। तो ये थोड़ा सा कट बन गया है यहाँ पर। अब हमें आरी का ब्लेड ले करके इसके अंदर लगाना है, और धीरे धीरे पहले इतना जगह बना लें कि आरी का ब्लेड आ जाए इसमें। अब इसको काटने का काम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा छोटा होल होता है और इसके अंदर से एयर है पूरा ढंग से, ये खींचता नहीं है पूरा, ये खुला होगा तो पूरी एयर को खींचेगा, काफ़ी इसका प्रेशर बन जाएगा वैक्यूम का, तो वो हम काम करने जा रहे हैं। ये इतना कट हमने निकाल दिया है, और यहाँ हम आरी का ब्लेड अब लगाते हुए पहले जैसे भी एक बार काटे, फिर बाद वाला काम बाद में देखेंगे, थोड़ी जगह बन जाए एक बार। मुश्किल काम है, चलिए चाकू को गर्म करके इसको काटते हैं गोलाई से। चाकू को गर्म कर लेंगे, और अब यहाँ चाकू लगाते हुए इसको काटेंगे, थोड़ा आसानी से कट जाएगा गोलाई में भी। एक बार इसको रफली काट लेते हैं। तो ये पूरा पार्ट एक बार हमने अलग कर दिया है, चाकू को धो करके ठंडा करेंगे। चाकू को ठंडा कर दिया, कोई बच्चा हाथ ना लगा ले। ये गोल रेती लेकर के थोड़ा यहाँ से फिनिशिंग कर देंगे इस प्रकार से घिसते हुए। तो ये पूरा पार्ट काट के अंदर से भी घिस दिया है, थोड़ा फैन घुमा के देख लेते हैं कहीं अटैच नहीं हो रहा हो। तो अब इसका सक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसके स्क्रू हम वापस लगा देते हैं। ये वायर है यहाँ से हम कट कर देते हैं जहाँ से ये जली हुई है, और इसको वापस अंदर लगा देते हैं। ये दोनों साइड के ब्रश भी लगा करके कस देते हैं। तो ये जो इसके साथ की वायर थी बहुत ही हल्की क्वालिटी की थी, तो उसकी जगह पे ये मोटी वायर मैंने लगा दी है, और इसका आप कवर लगा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ऑन करता हूँ, और इसका वैक्यूम टाइप बताता हूँ। वैक्यूम भी आप देखिए, ये कुछ चेक कर रखा है मैंने यहाँ पे, और काफ़ी ऊंचाई रखते हैं। तो जो भी था इसने फेंक दिया है। अब ये क्या करेगा कि जो मच्छर हैं उनके पास, जहाँ भी आपके बहुत ज़्यादा मच्छर हैं उसके पास इसको लेके जाइए, आगे एक जाली भी लगा देते हैं, तो उन मच्छरों को ये खींच करके मार देगा, वो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। और ऐसा एक पुरानी चुन्नी है वाइट कलर की, तो और भी अच्छा है, उसको हमने सिलाई कर दिया है, इसको उल्टा करके यहाँ आगे बांध देंगे। तो इस प्रकार से बांधने के बाद अब ध्यान ये रखना है पंखे के बीच कुछ नहीं आए। वैसे यहाँ एक मोटी जाली अभी मैं लगाऊंगा, लेकिन पहले इसी से मैं आपको बताता हूँ जो मस्कीटो कैसे कैच होंगे। ये हमारे पीछे जो गाय बांधते हैं ना, वहाँ का स्टोर है, और यहाँ बहुत सारे मच्छर आपको उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, ये मच्छर हैं,
इतने मच्छर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो इन सबको अभी खींच के बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ काफ़ी सारे मच्छर हैं इसके अंदर आ गए हैं, आपको अभी मैं चेक कराऊंगा। यहाँ पे देखिए ढेर लग गया है। तो यहाँ वैसे ये तूड़ी वगैरह पड़ी रहती है, तो इस जगह पे बहुत सारे ये मच्छर हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और ये भी खींच के बताता हूँ। एक ही ध्यान रखना है, इस पंखे के बीच कोई मोटी चीज़ नहीं आए, तो नहीं तो पंखा टूट जाएगा। अब ये यहाँ से इसका जो वैक्यूम का प्रेशर है वो लगभग 2-3 इंच तक रहेगा, ये खींच लेगा इनको। अभी इसको खोलते ही कुछ जो मच्छर हैं उनका देखिए कुछ भी नहीं बचा है, और यहाँ ये सैकड़ों जो मच्छर हैं इनका बिल्कुल चूरा बन चुका है। देखिए आप, ये मच्छरों का चूरा बना देता है, बिल्कुल तुरंत ही मर जाते हैं वो। ये सब मच्छरों का बचा हुआ है उल्टा करने पर थैली पे, लेकिन ये थैली हम नहीं लगाएंगे, कुछ जाली लगाएंगे, क्योंकि थैली कई बार क्या होता है कि इधर की साइड खींच सकता है फ़ैन के अंदर। ऐसी एक जाली लेके छोटा टुकड़ा काट के इस प्रकार से बांध दिया है। अब ये क्या होगा, इसके अंदर नहीं जाने का डर है, आगे से वैसे बैंड कर दिया है, तो इसमें मच्छर जो भी आएंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। और ये एक थोड़ी मोटी जाली है, इसको भी हम इससे काट लेंगे और पूरा पूरा इसके ऊपर काट के लगा देंगे, ताकि इसमें कोई बड़ा जो पत्थर आदि का टुकड़ा ना खींच पाए। और ये इसके ऊपर स्क्रू से कस देंगे या फिर कुछ पेस्ट आदि कर देंगे पूरा गोलाई में काट करके। तो अभी एक बार हमने स्क्रू लगा दिए, स्क्रू इस हिसाब से लगाना कि अंदर फैन के अंदर टच नहीं हो। एक बार आप घुमा के भी देख लें, तो हमारे स्क्रू वैसे भी फैन से बाहर की तरफ है। वैसे ये आगे की जाली ना लगाएंगे तो भी काम चलेगा, ये तो मैंने इसमें मच्छर जो ट्रैप होंगे उनको दिखाने के लिए एक बार लगाई है। तो चलिए मच्छरों को खींच करके देखते हैं इससे खींचे जाते हैं या नहीं। तो यहाँ ये हमारे गाय बंधी हुई है, और यहाँ पीछे ये तूड़ी वगैरह पड़ी है, तो इसमें बहुत सारे मच्छर हो गए हैं, और गाय को भी परेशान करते हैं, हमें भी करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या हमारा ये जो ब्लोअर हमने बनाया है काम करता है या नहीं। यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं, इनको हम खींचने का प्रयास करते हैं। और यहाँ काफ़ी सारा कचरा हो गया है, और यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हो रखे हैं, तो अभी इनको फिर खींचते हैं।
और यहाँ एक बार हम देखते हैं कुछ मच्छर। मच्छर बिल्कुल अब देखिए इसके अंदर चिपक ही गए हैं, मैं आपको खोल के बताऊंगा फिर ही पता लगेगा। यहाँ वैसे आपको क्या है, ये मच्छर खींचे हुए दिखेंगे लेकिन इनका बिल्कुल चूरा हो जाता है इसके द्वारा। और इस प्रकार से ये जो ट्रैप है इसको हम यूज कर सकते हैं मच्छर मक्खी आदि किन्हीं को भी पकड़ने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।